हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की सवाल जवाब की ओर। आज का फर्स्ट सवाल है, दुनिया का कौन सा देश फुटबॉल नहीं खेलता है। इसका सही जवाब है मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मान्य प्राप्त स्वतंत्र देश है जिसमें फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नहीं है। सवाल नंबर दो, ऑडी कार कौन से देश की कंपनी है। इसका सही जवाब है ऑडी एजी एक जर्मनी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो विभिन्न वर्गों की कारों को मध्यम वर्ग के बिजनेस क्लास, लग्जरी क्लास, स्पोर्ट्स और रेसिंग कारें बनाती हैं। भारत में इसकी स्थापना 2007 में मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय के साथ की गई थी। सवाल नंबर तीन, दुनिया की सबसे अमीर सिंगर कौन है। इसका सही जवाब है मशहूर सिंगर रिघना को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की सबसे अमीर सिंगर की लिस्ट में शामिल किया है जो करीबन $600 मिलियन संपत्ति की मालकिन है। सवाल नंबर चार, भारत में अब तक कितने लोगों को फांसी दी गई है। इसका सही जवाब है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1947 के बाद से देश में अब तक निर्भया के दोषियों को मिलाकर कुल 61 लोगों को फांसी दी गई है। सवाल नंबर पाँच, क्या दूध पीने से वजन बढ़ता है। इसका सही जवाब है यदि दूध पीने से आपका वजन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आप अपने आहार में ढेर सारी कैलोरी का सेवन कर रहे हैं, न कि दूध के अधिक सेवन से वजन बढ़ रहा है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है जिसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता है। सवाल नंबर छः, किस देश में एक भी ट्रेन की पटरी नहीं है। इसका सही जवाब है दुनिया के कुछ देशों के पास रेल नेटवर्क नहीं है, जिनमें से देशों के नाम हैं, पहले नंबर में है एंडोर, दूसरे नंबर में है भूटान, तीसरे नंबर में है साइप्रस, चौथे नंबर में है ईस्ट टिमोर, पाँचवें नंबर में है गिनी बिसो, छठवें नंबर में है आइसलैंड, सातवें नंबर में है कुवैत और आठवें नंबर में है लीबिया देश शामिल हैं। सवाल नंबर सात, क्या नेपाल भी क्रिकेट खेलता है। इसका सही जवाब है जी हाँ, नेपाल के पास भी उनकी खुद की एक क्रिकेट की टीम है। सवाल नंबर आठ, मुकेश अंबानी के घर में बिजली का बिल कितना आता है। इसका सही जवाब है टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी जिस घर में रहते हैं उस घर में हर महीने लगभग 6,37,000 यूनिट बिजली का खर्च होता है और इस हिसाब से उनके घर में बिजली का बिल लगभग 70,50,000 रुपये आता है। सवाल नंबर नौ, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। इसका सही जवाब है हमारे देश की सिंधु घाटी की सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध थी और पूरे देश में काफ़ी फैली हुई थी। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडोस वैली के नाम से जानते थे। उन्होंने इंडोस के नाम से हमारे देश को इंडिया नाम दिया और पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सवाल नंबर 10, क्या हम काले से गोरे हो सकते हैं। इसका सही जवाब है गोरे होने के लिए स्किन की मेलनिन सर्जरी का सहारा लिया जा सकता है जिससे चेहरे के अंदरूनी हिस्से में केमिकल के जरिए स्किन टोन चेंज किया जा सकता है जिससे स्किन वाइट होती है और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इस तकनीकी का यूज़ भी करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट भी ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी एक ज्ञान की बातें ले सके। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप तक जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।